हुण विरोधी कहणगे कि ईवीएम खराब है, कई सीटां दे उत्ते मुकाबला सी, साडी सरकार ने लोकां दे लई काम किया है। काबिले गौर है कि ज़्यादातर जिहड़े एग्जिट पोल नज़र आए ने हरियाणा दे इलैक्शन नूं लैके, खास तौर पर एक दिन पहला वोटिंग हुई है शनिवार नूं हरियाणा दे विच, और उस तो बाद एग्जिट पोल ने क्लीयर कट कह दिता कि कांग्रेस की सरकार फुल मेजोरिटी दे नाल हरियाणा रही है। लोगों ने की कहा 8 तरीक नूं पता लगेगा। तो जिक्र होया कि लगातार हरियाणा दे विच जिहड़ी एक हवा सी उह कांग्रेस वाले पक्ष की वग रही सी, तां एग्जिट पोल उस पासे इशारा करदे नजर आए। हालांकि हुण नतीजा दा नतीजे जदों ईवीएम खुलणगे तां पता लगेगा कि आखिर की कुछ हुंदा है। पर नायब सैनी कार्यकारी सीएम ने मौजूदा समय दे विच हरियाणा दे ते उहनां दे उत्ते तर्क दित्ता रहो जिहड़े एग्जिट पोल दे उत्ते जदों उहनां नूं सवाल पुछिआ गिआ। तारीख को रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है। आठ तारीख है खराब, जनता जवाब देगी 8 तारीख को। और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय है। कांग्रेस की सरकार बने पर जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने सार नजर, बदलाव का भी मूड है और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल अल्टरनेटिव है जो पिछले दल उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने और हर को लगे कि मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएगी। बारी ने दावे